वाशिप पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में सेक्टर 4 में मावली करके एक सोसाइटी है, वहाँ पे 3 लोग मतलब दिलीप नारायण दास कामवानी, कांता नारायण दास कामवानी और उनकी माँ मोहिनी नारायण दास कामवानी, इन्होंने 29 तारीख को कुछ उनको तकलीफ हो रही है सुबह करके पुलिस को फ़ोन किया। वो हिसाब से पुलिस ने उनको हेल्प दिया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। उस टाइम ऐसा मालूम पड़ा कि उन लोगों ने पॉइजन लिया है, सुसाइड का अटेम्प्ट किया है। तो बाद में वो अंडर ट्रीटमेंट वहाँ पे चालू था और वो ट्रीटमेंट में वो लोग एक्सपायर हो गए। और वही टाइम जो उसमें जो कॉन्शियस था दिलीप नारायण दास कामवानी, उसके पास जो इंक्वायरी किया था, जो उसका जवाब रिकॉर्ड किया था, तो उसने बताया था कि आर्थिक विवंचना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके कारण वो लोग तकलीफ में थे और उन्हें सब मिलके उस दिन कुछ रैट का पॉइजन या बैगन स्प्रे या ऐसा कुछ पॉइजन ले लिया और उसमें उनका देहांत हो गया। कल उनकी मौत हो गई। सुसाइड नोट कुछ वहाँ पे मिला है? कुछ सुसाइड नोट मिली नहीं है, उसके बारे में और हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उन लोगों के जो रिलेटिव उसके लिए से कांटेक्ट हुआ है? रिलेटिव्स अभी यहाँ फिलहाल नहीं है, क्योंकि दिलीप कामवानी और कांता कामवानी ये दोनों भाई बहन हैं और उनकी भी शादी हुई नहीं है। दिलीप का 67 उम्र है, कांता का 63 है, लेकिन उनके क्लोज रिलेटिव यहाँ पे नहीं है। दूर के रिलेटिव जो है नासिक के पास है ऐसा मालूम पड़ा है, उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं और वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब क्या करते, कुछ बिजनेस काम का? अभी उनका कोई बिजनेस नहीं था, उनके पप्पा कुछ काम करते थे, पिताजी उनके कुछ उसके ऊपर ही उनका चल रहा था ऐसा मालूम पड़ रहा है। वो सब वेरीफाई हो जाएगा। डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, अभी पीएम होएगा, उसके बाद आगे के स्टेप्स लिया जाएगा। नहीं, हस्बैंड मोहिनी नारायण दास कामवानी करके उनकी माँ है, वो दिलीप और कांता की, उसकी उम्र है मोहिनी की 87 साल, और पिताजी एक्सपायर हुए हैं।